जी वालेकुम एंड वेलकम टू अपना घर डॉट पी के आई होप क्या आप सब लोग खरीद से होंगे एंड टुडे वी आर बैक विद द न्यू हाउस एंड आर न्यू वीडियो आज हम खड़े हैं जी सॉन्ग गार्डन इस्लामाबाद में एंड वी हैव गॉट सिक्स मल्ला डिज़ाइनर हाउस इन आवर हैंड्स टुडे तो अगर स्वा गार्डन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेन हाइलाइट्स हैं वो है जी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से यहाँ का डिस्टेंस वी हैव गॉट ओनली टू टू थ्री मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस एक्सप्रेस वे से यानी कि हाई वे से सी uh, डी से अप्रूव्ड ये एरिया है इसके अलावा अगर हम स्ट्रीट की बात करें तो वी हैव गॉट थर्टी फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और पर्सनली अगर मैं इस घर की बात करूँ इट इज़ वन ऑफ दोज हाउसेज़ के अगर मुझे अपनी ज़ात के लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर लेना हो और मेरे पास इस घर का ऑप्शन हो तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करूँगा क्योंकि इस घर में वो क्वालिटीज़ एंड स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं जो कि हर आदमी को चाहिए होती हैं इंक्लूडिंग इट्स डिज़ाइन फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर इसके साथ साथ इस घर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ मौजूद हैं पानी बिजली गैस इसके साथ इस्लाम आबाद एक्सप्रेस वे से इसका डिस्टेंस काफ़ी करीब है और घर की बिल्ड क्वालिटी और घर के अंदर जो एक्सेसरीज़ या सामान यूज़ हुआ हुआ है वो टॉप क्लास है तो अभी हम इस घर के अंदर चलते हैं तो सिक्स मरला हाउस है हमारे पास एंड इस घर के डायमेंशनस की अगर मैं बात करूँ तो थर्टी इंटू फिफ्टी इस घर की हाउस डायमेंशनज हैं ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर इस घर का मेन गेट दिया गया है राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन टू द कारपोर्च ऑफ दिस हाउस तो आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है एंड स्टिल देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम लेफ़्ट बिहड और आप एक और गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं एंड यहाँ से अभी हम चलते हैं अंदर और लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट फेयर एंड इम्पारशल रिव्यू ऑफ दिस हाउस तो अपना घर डॉट पी के पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें आ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर बात करें तो ड्राइंग रूम आपको काफ़ी वेलकमिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने आपको एक अद्द फीचर्ड वॉल मिल रही है इसके साथ यहाँ पे फ्लोरिंग बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि टाइल फ्लोरिंग है और एक्सपेंसिव वाले टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं एंड किचन पे अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी मॉडर्न लुकिंग किचन है इसके साथ साथ एक प्रॉपर आपको यहाँ पर एल रैक दिया गया सम पीपल वुड क्वेश्चन कि कलर्स थोड़े से जो हैं वो ओवर सेचूरेटेड है लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है ड्राइंग रूम के साथ हमारे पास एक यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम है एंड uh, यहाँ से भी हम निकलते हैं बाहर अगर इस घर की हम एकमोडेशन की बात करें तो हमारे पास दो बेडरूम्स ग्राउंड पोर्शन पे हैं और दो बेडरूम्स आपके अपर पोर्शन पे हैं तो टोटल इस घर में फ़ोर बेडरूम्स हैं एंड यहाँ से हम आते हैं किचन के अंदर किचन के अंदर आपकी ग्लॉसी लेमिनेशन uh, है इसके साथ साथ ऊपर कैबिनेट्स जो हैं वो आपके ग्लास मटेरियल की भी बने हुए हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और डोर्स वगैरह आपके सामने एंड अगर शेल्स की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ हुआ है शेल्स के अंदर किचन काफ़ी स्पेशियस है काफ़ी खुला है उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि छः मरला घर है तो ओबियसली जो स्पेस uh, होती है आपके पास देर इज़ लॉट्स ऑफ रूम एंड यहाँ पर आपको वॉश uh, बेसन मिल जाता है इसके साथ काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं ये ग्लास फिनिश के अंदर कैबिनेट दी गई है जो कि आपको रिफ्लेक्टिंग लुक प्रोवाइड करी और कैनन का यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड प्रोवाइड किया है मैंने जितने भी घरों में वीडियोस बनाई है कैनन का इलेक्ट्रिक हुड क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है और सबसे एक्सपेंसिव होता है किसी घर में मैंने नहीं देखा तो ये चीज़ इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जितनी एक्सेसरीज हैं जितना सामान इस घर के अंदर इस्तेमाल हुआ अभी आप वॉशरूम्स में भी जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम ब्रांडेड कंपनीज का सामान इस्तेमाल हुआ है और अभी यहाँ से हम एंटर होते हैं बेडरूम नंबर वन के अंदर सीलिंग डिजाइन आ, अच्छा है आ, वाइट कलर की एल दी गई हैं उसके अंदर येलो कलर की रोप लाइट इस्तेमाल की है एंड वी हैव गॉट थ्री डोर कबर्ड और कबर्ड का डिज़ाइन भी आपके सामने लेमिनेशन यहाँ पे अच्छी वाली यूज़ की हैं वॉशरूम के अंदर चलते हैं और आ, मैंने जिस तरह आपको बताया था यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं इवन वॉशरूम के अंदर भी आपको प्रॉपर जो है वो मार्बल स्लैब के ऊपर वॉश बेसन दिया गया यहाँ पर इंडियन सीट इस वाशरूम के अंदर मौजूद हैं एंड टाइल्स वगैरह आपके सामने डिसेंट uh, किस्म की टाइल्स दी गई हैं और uh, आपका जो मिररर है उसके अंदर एल ई डी ग्लोइंग एल ई डी लाइट दी गई है एंड नाव वी विल गो टर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस और uh, यहाँ पे हम आते हैं तो थोड़ा ग्रीनिश वाल पेपर सामने नजर आता है लेकिन सीलिंग वर्क इज़ वेरी गुड वेरी वेरी गुड ऑबली थ्रू आउट द हाउस हमारे पास फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है एंड स्पेशियस घर है क्योंकि छः मरला आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं आपको अक्सर लोग समझते हैं कि यार पाँच और छः मरला के साइज़ में कोई इतना फ़र्क नहीं होता लेकिन ऑन द स्पॉट फ़िज़िकली जब आप विज़िट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने में नज़र आता है और इस वॉशरूम में ऊपर थोड़ी सी सेम है एंड यहाँ से हम चलते हैं बाहर और पीछे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है जो कि ओपन है एंड यहाँ से हम निकलेंगे एंड वी विल गो टूवर्ड्स द सेकेंड पोर्शन अगर यहाँ पर हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो ये दोनों पोर्शंस आपके अराउंड फिफ्टी टू थाउजेंड टू फिफ्टी फाइव और फिफ्टी सिक्स के इन बिटवीन रेंट आउट हो सकते हैं एंड गोइंग टू द सेकेंड पोर्शन सामने हमारे पास ये एक अदद गमला दिया गया है जो कि मुझे ऑनर ने बताया था काफ़ी एक्सपेंसिव है सिर्फ इसलिए कि सामने ऑबियसली घर हैं तो फैमिली होती है ख़वान होती हैं उनकी प्राइवेसी के लिए और यहाँ पे हमारे पास फ्रोस्टेड ग्लास दिया गया है और स्टील रेलिंग है और इसके साथ साथ अभी हम सेकंड पोर्शन पे आ चुके हैं और मुझे पता है आप लोगों को किस चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को इस घर की प्राइस का इंतज़ार है तो अभी हम रिवील करते हैं इस घर की प्राइस वो है जी वन करोड़ एटी फाइव लैक्स फाइनल एज़ पर दिनर एज़ टोल्ड बाय द ऑनर ऑफ दिस हाउस अब जब हम यहाँ पे मैंने आपको आ, हमने जो अपना घर डॉट पी के अगर आप चैनल पे जाएं आप मार्च और अप्रैल की हमारी वीडियोज़ देखें तो यहाँ पे जब हम आते तो 140, 145, 150 में मैक्सिमम छः मरला घर आपको मिल जाता था लेकिन रिसेंट सिक्स मंथ्स के अंदर यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं काफ़ी ज़्यादा उनमें जो है वो अग्रेसिवनेस आई है और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर प्लाट्स की प्राइस कुछ ऊपर हुई उसके साथ कुछ कंस्ट्रक्शन मेटीरियल की प्राइस ऊपर हुईं और बाकी ये घर गर, बाकी घरों से यहाँ पे जितने बने हुए हैं उनसे बेहतर है इंटीरियर वाइज़ भी एक्सटीरियर वाइज़ भी और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसकी बेहतर है तो वन करोड़ एटी फाइव लैक्स इस घर की फाइनल uh, प्राइस है एज़ पर द ऑनर और अभी हम आ चुके हैं जी सेकंड पोर्शन के अंदर और हमारे पास अगेन ये एल ई रैक दिया गया है सम पीपल वुड से अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े से कलर्स में सेचुरेशन ज़्यादा है थोड़े से पंचिंग uh, कलर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए किए गए हैं कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी लेकिन हर बंदे का अपना टेस्ट होता है ऑनर ने अपने साइकी के मुताबिक अपने डिज़ाइन सेंस के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक ये घर ऑब्वियसली डिज़ाइन किया होगा तो रिस्पेक्ट टू तो एवरी अभी हम चलते हैं जी बेडरूम नंबर थ्री के अंदर इस घर के ये जो कि बिल्कुल सिमिलर है आपके जिस तरह के ग्राउंड पोर्शन में बेडरूम था उसके साथ अटैच वॉशरूम है और पीछे हमारे पास ओपन स्पेस है आ, जो आपकी लेमिनेशनस नीचे वाले बेडरूम्स के अंदर इस्तेमाल हुई हुई थी कबर्ड्स की यहाँ पे भी सिमिलर वही हैं तो अभी यहाँ से हम चलते हैं अटैच वॉशरूम के अंदर और देखते हैं वॉशरूम नीचे वाले पोर्शन जैसे ही है जी बिल्कुल यहाँ पे इंग्लिश सीट है और अगेन ग्रेनाइट का स्लैब है जिस पर आपका वॉश बेसन है अक्सर लोग ये करते हैं कि फ़र्स्ट पोर्शन बड़ा अच्छा बनाते हैं उसमें एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन सेकेंड पोर्शन में आके जो है वो पैसे बचाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अक्सर और बेशतर ख़रीदार जो है वो नीचे वाला पोर्शन देख के ही जो है वो घर परचेज़ कर लेता है काफ़ी बार मैंने ये चीज़ होते हुए देखी है लेकिन इस घर में जो है जो सामान जो चीज़ें आपको ग्राउंड पोर्शन पर नजर आ रही थी वही चीज़ें आपको सेकंड पोर्शन पर नजर आ रही हैं और कहीं पर मुझे ये चीज़ नहीं लग रही कि इस घर के ऑनर ने पैसे यहाँ पर बचाने की कोशिश की है या कहीं पर कंजूसी की है या कहीं पर डंडी मारी है और अगर इस घर की हम एम्यूनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस तीनों चीज़ें मौजूद हैं ओबियसली इसीलिए इस घर की इतनी प्राइस है यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं हाईवे से यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी करीब है इसके अलावा एक एनवायरनमेंट यहाँ पे मिडिल uh, क्लास लोग रहते हैं लेकिन पढ़े लिखे और सैलरीड uh, पर्सनज हैं स्वा uh, गार्डन में मैं जब भी आता हूँ तो जब भी मुलाकात होती है तो लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं अभी हम यहाँ से चलते हैं ऊपर और चेक करते हैं कि हमारे पास सर्वन क्वार्टर मौजूद है कि नहीं एंड uh, आ चुके हैं जी हम रूफ टॉप पर तो यहाँ पर एक हदत हमारे पास मुमटी है जिसमें अभी सामान पड़ा हुआ ऑब्वियसली घर जो अभी थोड़ा सा काम यहाँ पर बाकी है एंड यहाँ से चलेंगे बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है और धूप में जाके ही सुकून आएगा दिसंबर की धूप भी काफ़ी मध्यम सी होती है एंड यहाँ पर सेवन क्वार्टर नहीं है लेकिन चिप्स वगैरह दी गई है तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीवर एट सो गार्डन सिक्स मलर डबल स्टोरी हाउस इन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा एंड जस्ट रिमेंबर इन प्रेयर्स आपसे रिक्वेस्ट है अल्लाह अल्लाफ़ असलकम